किसी नगर की प्राचीनता और वैभव को प्रमाणित करने में तालाबों और सरोवरों का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सरोवरों का निर्माण जन कल्याण की भावनाओं के साथ धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है। रहीम ने लिखा भी है, तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचाई सुजान। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष अपना फल नहीं खाते, उसी प्रकार सरोवर अपना जल नहीं पीते। ये उन सज्जन धनवान पुरुष के समान हैं जो अपना धन परहित में करने के लिए संचित करते हैं। इसी लोक मंगल की भावना के कारण वृक्ष तथा सरोवरों का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। वृक्ष लगाना और सरोवरों का निर्माण अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। कहा भी गया है कि यशों से केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु तालाब, कुएं, वाटिकाओं, औषधालयों के निर्माण से संसार के आवागमन से ही मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। रायपुर में बूढ़ा तालाब, महाराज बांधा, सरजू बांधा, आमा तालाब, राजा तालाब और तेली बांधा जैसे बड़े बड़े तालाब हैं। इनमें तो कुछ 500-600 साल पुराने हैं। सर्वाधिक संख्या में तालाब पुरानी बस्ती क्षेत्र में है। रायपुर के तालाबों का जल पीने योग्य था। बूढ़ा तालाब रायपुर के सबसे पुराने तालाबों में से एक है। इसे ब्रह्मदेव ने बनाया था। ब्रह्मदेव सन 1402 से रायपुर की गद्दी पर बैठा था। सन 1460 में राजा भुवनेश्वर सिंहदेव ने बूढ़ा तालाब में पत्थरों से घाट का निर्माण करवाया था। मराठा कालीन दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि इस तालाब का विस्तार 1 वर्ग मील था। 1893 में रायपुर पहुंचे साधु चरण ने भी इसका विस्तार इतना ही बताया है। सन 1890 में लैकी और सन 1895 में आए अंग्रेज यात्री कैप्टन ब्लंट ने भी बूढ़ा तालाब का उल्लेख किया है। सन 1885 में स्वामी विवेकानंद अपने बाल्यकाल में 2 वर्षों तक रायपुर प्रवास पर रहे। वे भी बूढ़ा तालाब में तैरने का अभ्यास करते थे। ऐसे विवरण उपलब्ध हैं कि तालाब के बीच का टापू प्राकृतिक है। बाद में इसको और विस्तृत कर उद्यान का रूप दिया गया। लेकिन गोंडवाना साहित्यों में उल्लेख मिलता है कि रायपुर का बूढ़ा तालाब 13वीं शताब्दी में राजा राय सिंह जगत द्वारा खुदवाया गया था। राजा राय सिंह जगत अपनी सेना व लाव लश्कर लेकर चांदा राज्य होते हुए लांजी राज्य की ओर बढ़े। उन्होंने अपना शिविर खारून नदी के कछार में डाला। आगे बढ़ने के लिए पुरैना टिकरापारा में एक विशालतम तालाब खुदवाया। इस ताल को उनके साथ चलने वाले स्त्री पुरुषों ने 12 एकड़ भूमि को 6 महीने में खोदकर तैयार किया था। इसकी खुदाई में 3000 पुरुष व 4000 स्त्रियां कार्यरत थे। हाथी, बैल आदि पशुओं को भी खुदाई के कार्य में उपयोग में लाया गया। कृषि औजारों का भी इस हेतु भरपूर उपयोग किया गया। उन्होंने इसका नामकरण अपने इष्ट देव बूढ़ा देव के नाम से किया। राजा राय सिंह ने इसी तालाब के पास नगर बसाया, जिसका नाम रायपुर था, जो अंग्रेजों के समय रायपुर हो गया। यहाँ और भी अनेक तालाब बनवाए गए थे। रतनपुर के इतिहासकार बाबू रेवाराम अपनी एक छंदबद्ध रचना में लिखते हैं, मोहम भये सुत जिनके, सुरदे नृप नायक तिनके, ब्रह्मदेव तिनके अनुज, मतिगुण रूप विशाल, दाय भाग ले रायपुर, विरचियों बूढ़ा ताल। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मदेव ने रायपुर दाय भाग यानी बंटवारे में पाया था और यहाँ उन्होंने बूढ़ा तालाब का निर्माण करवाया। बूढ़ा तालाब से संबंधित 2 पक्ष सामने आए, हमने दोनों को आपके समक्ष रख दिया है।